बहुत मज़ा आता है। हर साल जो जी नॉमिनेशन पार्टी होता है, सारे कुटुंब एक साथ आते हैं। कुछ नए कुटुंब आए इस साल, उनसे मुलाकात होगी, नए रिश्ते बनेंगे जिसे हम पूरे साल निभाएंगे। सारे अवार्ड्स एक्चुअली, जो सबसे पहला अवार्ड होता है वो दिल के बहुत करीब होता है, क्योंकि पहली बार आप स्टेज पर जाते हो, एक्साइटमेंट एक अलग लेवल का होता है, और जो मेहनत आपने की हो पहली बार जब वो फ्रूट देता है तो जाहिर सी बात है पहला बच्चा सबसे ज़्यादा दिल के करीब होता है, बस वही हिसाब है। मिस तो ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि सब मिलते रहते हैं, तो हाँ आज इंजॉय बहुत करेंगे जब फिर से मुलाकात होगी। कुछ नहीं, अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो जैकेट पहनने का मौका मिला तो जैकेट पहन लिया। थैंक यू। यार सुपर हैप्पी टू बी हियर, सुपर एक्साइटेड। नॉमिनेशंस पार्टी, लॉट ऑफ नॉमिनेशंस हैपनिंग, सो मैटर करते हैं यार। ऑब्वियसली यार, इट्स लाइक अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, इट्स लाइक टोकन ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस, सो डेफिनेटली इट मैटर्स अ लॉट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग दिस ईयर। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देम टू सेलिब्रेट दिस पार्टी टुडे एंड कुंडली इज सच अ ब्लेस्ड शो। वी बीन ऑन द टॉप ऑफ द टीआरपी चार्ट सिंस लास्ट 5 years एंड सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी एंड ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि ऑडियंस का इतना प्यार मिला, इतना ऑडियंस ने सराहा। कोशिश यही रहती है कि हमेशा उन्हें एंटरटेन करते रहें। थैंक यू। जस्ट गोइंग विद द वाइब ऑफ द पार्टी। थैंक यू। काफ़ी एक्साइटमेंट है। सो ये पहले इनका दूसरा साल है, इनका पहला साल है, मेरा पहला साल है, तो हम दोनों को आइडिया नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है। या मैं भी देखना चाहती हूँ हम किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हैं, और आई एम श्योर काफ़ी मज़ा आएगा। अंदर सारे लोग होंगे, पूरा जी कुटुंब होगा, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीबॉडी। सो ऑनेस्टली फॉर मी, अगर मुझे अवार्ड मिलेगा या मिलता है तो मैं बहुत बहुत खुश होंगी, नो डाउट। पर अगर मुझे नहीं भी मिलता तो मैं डिसहार्टन नहीं होती, बिकॉज मेरे जो फैंस हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं चाहे मुझे अवार्ड मिले या ना मिले। और आई हैव प्रूव माई सेल्फ, पीपल हैव रियली चेंज देयर व्यू। जो वो मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरे बारे में बेटर ही सोचते हैं। मुझे हमेशा मेरी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, तो अगर मैं वो ठीक कर रही हूँ, सो अवार्ड रियली इट डजंट मैटर कि मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। Cool with both the things. Yeah, same. I think award, obviously award जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि हमने जो मेहनत की है उसका लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसका उसके लिए अवार्ड मिल रहा है। बट अगेन जैसा आशी ने कहा कि अगर नहीं भी मिलता है तो जो ऑडियंस का प्यार जो हमको मिलता है वही हमारे लिए अवार्ड्स है, तो आई थिंक या हम खुश हैं मिले ना मिले। Like yeah, almost दोनों ने बातें कह दी हैं, बट स्टिल मैं ये कहूँगी अवार्ड बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक ऑफकोर्स वो एक अप्लॉज है आपके लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए। बट अगर नहीं भी मिलता है वी आर स्टिल ओके विद दैट। मेन मैटर क्या करता है, लोगों को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है और लोग आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। फिलहाल तो बिफ़ोर मैरिज जो मीत थी वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जो जिससे लोगों की सोच बदले, ऑफकोर्स क्योंकि वो खुद ही एक ऐसा कैरेक्टर थी जो अपने घर के भी काम, सारे अपने घर के काम खुद ही करती थी। जो लड़के वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पूरा समाज बोलता है वो उसने अकेले ली हुई थी, और शादी के बाद भी वो उस चीज़ को मेनटेन रखती है कि ससुराल और मायका उसको दोनों कैसे संभालना है एक साथ,
तो जनरली शादी के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियों को अब ससुराल संभालना चाहिए और मायके से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, बट मीत ने ऐसा नहीं किया. वो अपना मायका अभी भी खुद ही संभालती है. शी नोज कि शी वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर इन द हाउस, और उसके सिवा वो घर में कैसे लड़की दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकती है. उसकी खुद की लाइफ में यही स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मीत के लिए भी नहीं है, वो भी खुद समझ रही है, सीखने की कोशिश कर रही है, बट शी इज़ डूइंग इट. सो इट्स पॉसिबल, सो शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दिस राइट नाउ. अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, और शगुन को काफ़ी पसंद किया जा रहा है एक साथ और अप्रिशिएट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड. हमें नहीं पता था. अगेन, अब जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको नहीं पता होता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आप बस होप करते हैं और हार्डवर्क करते हैं. हमने वो किया और उसके बदले में हमें काफ़ी प्यार मिल रहा है, जिससे हम बहुत बहुत खुश हैं एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल. थैंक यू सो मच गाइज, एंड कीप लविंग. और ऑब्वियसली ये जोड़ी बहुत हिट है. इन दोनों को देख के अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की याद आती है. सो या ट्रू, हां लुक अगर आप देखो तो एग्जैक्टली वैसा ही है. हमारा बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन, ये या दिस इज आवर बॉन्ड ऑफ स्क्रीन. एक्चुअली हम सबका पूरे शो में, पूरी कास्ट का, सो हमारा शूट भी बहुत बार एक साथ नहीं होता, बिकॉज मोस्टली ये दोनों अलग शूट कर रहे होते हैं, हम अलग शूट कर रहे होते हैं, बट जैसे ही हमें टाइम मिलता है, वो 10 मिनट भी होते हैं ना, हम लोग एकजुट, हमसे लोग परेशान हो जाते हैं, डायरेक्शन टीम और प्रोडक्शन, प्लीज़ अलग हो जाओ, प्लीज़ काम कर लो, वैसा हो जाता है, बिकॉज चप 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 पूरा टाइम हमारा चालू ही रहता है. सो ऑफ स्क्रीन हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, वी रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी. एंड ऑन स्क्रीन तो सब जानते हैं कि मानुषी एंड मीत का क्या बॉन्ड है. मानुषी जस्ट कांट स्टैंड मीत. ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर. एंड यस, ये मेरे भाई जैसी बहन है. मेरे अकॉर्डिंग शी इज़ अगली, लाइक मानुषी के अकॉर्डिंग शी इज़ अगली, बट शैरन के अकॉर्डिंग शी इज़ एडोरेबल एंड आई लव हर. या आज की शाम को लेके मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई एम एंकरिंग द इवेंट. तो बहुत ही नर्वस हूँ मैं, बिकॉज स्टेज फ्राइट है. और पिछली बार नॉमिनेशन पार्टी मेरी माँ सरला माँ ने एंकर किया था, होस्ट किया था, तो इस बार मैं हूँ, तो आई एम वेरी वेरी नर्वस. और अभी तो सब लोग आना शुरू हुए हैं और हमारी बैक स्टेज की तैयारी अभी से चालू है. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. जी, मैंने किसी से कुछ टिप नहीं ली है, बिकॉज हम 3 दिन से स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे. एंड देन आई मेट माई को एंकर गुंजन उत्रेजा, उन्होंने भी मुझे कुछ बोला कि देखो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. सो आई एम जस्ट एब्जॉर्बिंग ऑल द थिंग्स एंड आई जस्ट होप दैट आई डोंट एफ इट अप ऑन द स्टेज. शो तो ऑफकोर्स नॉमिनेटेड होगा, बट आई डोंट नो इफ आई एम नॉमिनेटेड और नॉट. पिछले साल बेस्ट बहन का अवार्ड मिला था, बट अभी पता नहीं इस बार बेस्ट बहन का अवार्ड किसे मिलेगा. सो आई होप जिसे भी मिलेगा, आई एम श्योर शी विल बी अ डिजर्विंग वन. सो या कुंडली भाग्य एज यूजुअल, ये लोग बड़े लेट एंट्री मारते हैं, तो आई बिलीव उनको थोड़ा वक्त है आने के लिए, बट मैं ऑलरेडी बैक स्टेज हूँ. सो आई एम वेटिंग फॉर देम टू कम, क्योंकि सब आएंगे तभी जाके हमारा शो स्टार्ट होगा. सो या वेटिंग फॉर देम. आज तो बस मैं एंकर कर रही हूँ, बाकी आई डोंट नो जी रिश्ते में इफ आई गेट अ चांस टू परफॉर्म और नॉट. फिंगर क्रॉस. थैंक यू Shilpa and the team of ZTV has decided to make me a pink Barbie doll today. So I am one today, tonight, sorry. So yes, I'm wearing a skirt and I've teamed up with a, kya kehte hai, blouse and a blazer, and it's all Indo-Western look. So mujhe bahut acha laga. Maine jhumkiya pehni hai aur baal टोंग करवाए हैं मैंने, एंड आई हैव वोर्न लेंसेज एंड स्टफ. सो या पिंक इज माय फेवरेट कलर एंड आई एम ऑल पिंक टुडे. थैंक यू फैंस के लिए ये मैसेज है कि जी रिश्ते अवार्ड्स का तो सबको इंतज़ार होता है, बट जी नॉमिनेशन पार्टी की जो सेलिब्रेशन है ये आप देखना ना भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पर
बहुत कुछ चीज़ें पता चलने वाली है कि कौन कौन नॉमिनेटेड है और कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाला है ऑन स्टेज. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. थैंक यू. आज की शाम से आज नॉमिनेशन पार्टी है. हमें पता नहीं कि हमारे शो में कितने सारे नॉमिनेशंस मिले हमारे शो को, बट होपफुली बहुत सारे अवार्ड्स जीतेंगे ये साल. शो इज़ डूइंग रियली वेल, टच वर्ड, फिंगर्स क्रॉस. एंड ऐसे ही अच्छा ऐसे ही प्यार देते रहे हमारे शो को और ऐसे ही आगे बढ़े हमारा शो. सो वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नॉमिनेशन पार्टी टुनाइट. जी के साथ काफ़ी प्यारा एसोसिएशन रहा है. दिस इज़ माई सेकेंड शो, मेरा दूसरा शो है जी के साथ. सो वेरी एक्साइटेड एंड दिस शो इज़ डूइंग रियली वेल. सो आई एम रियली हैप्पी एंड होपफुली आगे भी अच्छा करते रहेंगे आप सबके प्यार के साथ. सो थैंक यू सो मच. काफ़ी टाइम के बाद या एक्चुअली शूट के टाइम पे ना शूट के वक्त टाइम मिलता ही नहीं है. हम लोग वी शूट 28-29 डेज अ मंथ, तो कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता है. सो होपफुली एंड फाइनली आज बहुत मज़े करेंगे एंड आज बाहर आने का मौका भी मिला है. सो एंड स्पेशली विद द जी फैमिली, तो वेरी एक्साइटेड. जी जो हमारा ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा अच्छा है, वही ऑन स्क्रीन पर निकल के भी आता है. हमें ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जस्ट कम्स आउट नेचुरली. बहुत इजीली निकल के आते हैं सीन्स. एंड ऑल्सो थैंक्स टू आवर डायरेक्टर मुजू सर, ही इज़ द बेस्ट आई हैव वर्क्ड विद. एंड वो निकालते हैं हमारी केमिस्ट्री. एंड आई थिंक एक्टिंग के साथ साथ इट्स गुड डायरेक्शन ऑल्सो विच गेट्स आवर वर्क रियली अपलॉडेड बाई द ऑडियंस. या न्यू ईयर्स के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, हर साल होता हूँ. एंड हमेशा लास्ट टाइम फैमिली के साथ नहीं मना पाया था, मेरी फैमिली आउट ऑफ इंडिया थी. सो इस बार फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, नया शो भी है, सब अच्छा चल रहा है, टच वर्ड. सो वी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे. और विशेज यही है कि आप हमारा शो ऐसे ही देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए. मेरी क्रिसमस टू गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. ये मेरा पहला अवार्ड फंक्शन है जी टी वी के साथ, जी रिश्ते अवार्ड्स, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बचपन में मेरा एक सपना था कि मैं जी के साथ भी काम करूँ. मैंने वो जी हॉरर शो ऐसे देखे थे, तो आई थिंक सबकॉन्शियसली तभी मेरे दिमाग में था कि भाई कभी ना कभी तो मैं काम करूँगा. एंड फॉर्चुनेटली आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं इस बार मेरा जो शो है तेरे बिना जिया जाए ना, वो जी के ऊपर लॉन्च हो रहा है. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज हम इतना हार्ड वर्क करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई हमारी स्टोरी, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को अच्छी लगे. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि अंदर जाके क्या होने वाला है. अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता है मैं किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ भी या नहीं, बट अंदर जाके पता चलेगा. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, जस्ट फिंगर्स क्रॉस. जी हाँ, ये देवराज सिंह राठौड़ का लुक है अगर आप देखना चाहें. शिवानी शैली जो हमारी डिज़ाइनर है, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है स्पेशली. एंड देयर इज अ ब्रोच आल्सो एंड प्लस अ यू नो अ बो टाई, सो इट्स गिविंग मी अ वेरी रॉयल लुक. ओ बहुत अच्छा है. आई थिंक शी इज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स ऑफ माइंड. बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड केमिस्ट्री विच वी शेयर ऑन स्क्रीन ऑल्सो एंड प्लस ऑफ स्क्रीन ऑल्सो. तो बहुत अच्छी रिलेटेबिलिटी होती है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके. हमारे सीन्स बहुत इजीली शूट हो जाते हैं एंड द डायरेक्टर इज़ ऑल्सो हैप्पी, एवरीवन इज़ हैप्पी. ओ नॉट प्लान्ड येट, अभी आई डोंट नो, इट्स टू सून टू डिसाइड, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे. आई जस्ट होप कि हमारे जो ई पी हमें टाइम दे दें कि हम प्लान कर सकें कुछ. या गाइस प्लीज़ डू वॉच जी रिश्ते अवार्ड्स एंड ऑल्सो आर शो तेरे बिना जिया जाए ना. और खूब सारा अच्छी तरह से अपना क्रिसमस और न्यू ईयर मनाइएगा ढंग से और सेफ रहिएगा, अपने आप को अच्छी तरह से रखिएगा, खुश रहिएगा हमेशा एंड जस्ट बी हैप्पी. वी आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम नए सदस्य के लिए नॉमिनेटेड हैं.
So yes, we are excited. Obviously, now we are a part of Zee Kutum. So, सबसे पहली बार मिलना होगा पूरे Zee Kutum के साथ. Yes, excitement तो है. Too much excitement. रिस्पॉन्स फिलहाल अब तक बहुत अच्छा है. सो फार सबके बहुत पॉजिटिव व्यूज हैं. शो अच्छा जा रहा है. लोगों को कैरेक्टर्स बहुत पसंद आ रहे हैं. लोगों को जोड़ी गुलशन तो बहुत पसंद आ रहा है. सबको सब बहुत पसंद आ रहे हैं. ये दो लोग जो मुझे परेशान करने वाले हैं वो भी पसंद आ रहे हैं. तो सो फार अब तक का जो भी रिव्यू है ऑडियंस का वो बहुत अच्छा है. सो वी आर ग्लैड. मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स दे रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज माय यू नो गेन. दैट मींस दैट आई हैव जस्टिफाइड द कैरेक्टर. गोस फॉर टू ऑफ देम. गोस फॉर टू ऑफ देम. जो आपको सारे लोग दिल बना के देते हैं उसका वो इज मोर इम्पोर्टेंट. यही बस यही नहीं पूछना था बट बहुत मुश्किल से मैनेज किया है. हमारी नाइट शिफ्ट थी. हम सुबह शूट करके फिर यहाँ पर आए. बट आई थिंक पूरा स्ट्रेस आउट निकल जाने वाला है अंदर जाके. सम एक्साइटेड मैसेज फॉर सारे एक साथ बोलते हैं सब. देखिए इस मोड से जाते हैं. हाँ प्लीज वॉच इस मोड से जाते हैं. मंडे टू सैटरडे 6:30 PM ओनली ऑन जी टीवी. थैंक यू. वेरी एक्साइटेड बिकॉज पिछले 3-4 साल से मैं खुद ही प्रेजेंट कर रही थी नॉमिनेशन पार्टी. तो आज बहुत अच्छा लगेगा. आराम से बैठकर देखूंगी सामने और देखते कितना मज़ा आएगा. मुझे सुनाई पड़ा है कि मेरी ही कोई एक बेटी शायद उसे प्रेजेंट कर रही है. तो देखते हैं कितना मज़ा आता है जब बेटी माँ को ग्रिल करेगी. तो मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं है. हमने तो अभी ZRA का एंथम और प्रोमो शूट किया है और नॉमिनेशन में कौन कौन है वो आज ही खुलासा होने वाला है. अपने परिवार से बहुत लोग होंगे और मिलेगा भी तो अपने परिवार में किसी को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. वैसे भी ये लार्जर कंटेंट में कुटुंब ही है. जिसको भी मिले अच्छी बात है. इट शुड बी लाइक हैप्पी. और जो नहीं मिला उसको अगले साल मिल जाएगा. सो आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर दैट. बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं जी के साथ जुड़े हुए. और कुमकुम से लेकर कुंडली तक ये सफ़र काफ़ी लंबा और काफ़ी खुशनुमा है. 2000 एपिसोड भी पूरे किए हैं इस बार कुमकुम ने. विच इज़ सच अ बिग अचीवमेंट फॉर बालाजी टेलीफिल्म्स एंड जी ऑल्सो. मुझे लगता है इससे पहले किसी ने 2000 एपिसोड नहीं कवर किया और वो भी 4 साल पूरे TRP चार्ट्स को रूल करने के बाद. तो बहुत खुश हूँ और मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ इसलिए अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ. थैंक यू सो मच. ये कॉस्ट्यूम मेरा सैकुरीना जो मेरी स्टाइलिस्ट है शो पे कुंडली के उसने बनाई है. आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी सिंपल क्योंकि नॉर्मली जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो थोड़ा ग्लिटर और थोड़ा वो स्पार्कलिंग लगना चाहिए. तो आई हैव केप्ट इट सटल एंड नाइस जस्ट लाइक सरला. सिंपल नाइस बट बोल्ड. सो डार्क कलर. यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच. आप सब लोग इतना प्यार देते हैं इतना सराहते हैं और आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं. तो सब कुछ आपका ही है. आपके प्यार से आज हम हैं. आपके प्यार से ही ये शाम है. आपके प्यार से ही सब कुछ है. अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा. थैंक यू सो मच. बिल्कुल मेरे शो में से काफ़ी लोग नॉमिनेटेड हैं एंड आई कांट वेट टू सी कि हमारी पूरी फैमिली अंदर पहुँच चुकी है और आई जस्ट कांट वेट टू जॉइन देम एंड सी हाउ इट गोज. बिल्कुल बिल्कुल हाँ. हमारी उम्मीदों से ज़्यादा प्यार दिया है ऑडियंसिस ने और आप सब ने हमको एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. हमारा शो बहुत नया है और धीरे धीरे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं आई होप कि हम आप लोगों का इंटरेस्ट और आप लोगों का प्यार बरकरार रख सकें. आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकें. यार एक्साइटमेंट तो इसलिए बिकॉज विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड. और नॉमिनेशन पार्टी में मतलब ऑनेस्टली बोलूं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं अंदर होने का वाला है. नो आईडिया. वी आर अ लिटिल क्लूलेस बट वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा और मानसी का फर्स्ट टाइम है. यार ZRA तो मेरा ही फर्स्ट है. यस बहुत अच्छा फील हो रहा है और एक्साइटमेंट है कि यहाँ पे आज नॉमिनेशन है हमारे शो का. तो जाहिर सी बात है. ठीक है यार हम नॉमिनेशन तो ऑनेस्टली सिंस
since we're doing so good, thanks to you people. Show बहुत अच्छा है, audience like काफी. अगर since we're doing so good, तो हम nominations तो expect कर रहे हैं. Award मिलना ना मिलना secondary है, but yeah, at least nominations तो हम काफी expect कर रहे हैं. और show काफी अच्छा run हो रहा है, audience काफी like कर रही है, तो उसके according लगता है कि positive hopes हैं हम लोगों की. यार वी फील लकी क्योंकि अभी ऐसे टाइम में जब लोगों ने टीवी थोड़ा कम देखना शुरू कर दिया है, अगर कोई शो अच्छा करता है तो इट्स एन अचीवमेंट, क्योंकि बहुत कम शोज हैं जो अच्छा टीआरपी गेन कर पा रहे हैं आज के टाइम में हमारे टीवी में. तो आई थिंक वी फील लकी, आई फील लकी, वी ऑल फील लकी. ऑफ कोर्स या बट शो बहुत बड़ा हिलने वाला है, बहुत अच्छे से लिखा जा रहा है आगे वाले ट्विस्ट. इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, स्मार्टली सब कुछ जानना चाहते हो आप? नहीं, वो नहीं पता, बस इतना बता रहे हैं मेजर ट्विस्ट कमिंग, मेजर. क्या कहेंगे भाई, हमारे रिश्ते का पहला साल है, हमारे लिए पहला साल है फॉर द राठौड़ फैमिली. तो हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि किसको कितने और किस तरह के नॉमिनेशन मिले हैं और नॉमिनेशन के बाद कितने अवार्ड्स मिलेंगे. Yes. बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो ये मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड्स है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अंदर और क्या होने वाला है. एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच अवेटेड अबाउट द फैक्ट कि हमें कितने नॉमिनेशंस मिले हैं और हम कितने अवार्ड्स जीतने वाले हैं. लीना जी ज़्यादा नहीं बोलती, वो सिर्फ गुस्सा करती है. ये बोलते नहीं, ये तोड़ फोड़ करते. अवार्ड नहीं मिला तो उठा के ले जाते. प्लान ही मेरा ये है कि अगर नहीं मिला तो हम ले जाएंगे किसी का जिसका नहीं पसंद आया, डिजर्विंग का हम उठा के ले जाएंगे. नहीं नहीं, अवार्ड को या बंदे को? दोनों को. आपके पीआर की वजह से ही प्यार मिल रहा है. यस. बात सही है. एक्चुअली आप लोगों तक पहुंचाएंगे हमारी बात, तब जाके उनका प्यार आएगा हम तक. तो वीड रियली लाइक टू थैंक द मीडिया फॉर ऑल द सपोर्ट दैट देव गिवन तेरे बिना जिया जाए ना. और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाए कि हमारे बिना जिया जाए. क्या बात है. हाँ यार, मैं कहना चाहूँगा बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है पर मैं थोड़ा नर्वस हूँ आज. पहला अवार्ड है? हाँ, मेरा पहला अवार्ड है. नहीं, इससे पहले मिल चुका है बट टीवी का मेरा पहला अवार्ड है. पहले कौन सा मिला? स्टार गेजर्स एंड ऑल मिले हैं काफी, बिग बॉस के बाद काफी मिले थे. वो अलग तरह के थे, ये रियल एक्टिंग टैलेंट का अवार्ड. हाँ, बट अच्छा है कि यार, यही कहना चाहूँगा कि फैंस को कुछ नहीं कहना चाह रहा, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैंस एंड विद द टीम ऑफ टीवी जेजेएन, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छे से प्यार दे रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार बढ़ता जाए और इस प्यार पे हम भी खड़े उतरे, क्योंकि हमारा टाइटल ही तेरे बिना जिया जाए ना, ना हम उनके बिना जी सकते. द मैन बिहाइंड द शो, व्हाट टाइमिंग. हम मैच करके आए, वही टाइमिंग आपके साथ. हैव यू कम डायरेक्टली फ्रॉम द एयरपोर्ट फॉर अस? नो, आई डिडंट कम डायरेक्टली. सॉरी सॉरी सॉरी. आवाज आ रही है? सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जी रिश्ते नॉमिनेशंस. डेफिनेटली अनिल सर जल्दी आ जाओ. हाय सर. ये हमारा को प्रोड्यूसर जी, आइए प्लीज. तो एक्चुअली ऑडियंस हमारी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल क्रू है, तो प्यार तो मिलना ही है. इतने अच्छे आर्टिस्ट है एंड अच्छा, हमारे को रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा है. वी आर वेरी इन अ डिफिकल्ट स्लॉट
पर फिर भी हम फेस कर रहे हैं और इस वीक हमको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह द शो इज लुकिंग गुड एंड सारे मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ओनली एंटरटेनिंग द ऑडियंस. Anil sir, are you happy with the response that your show is getting? I can afford to be happier. He spoke like a true producer. Ummeed pe duniya kayam hai. No, but inshallah, I think we've done fabulously and people are really showering love. Jo comments hame milte hain social media pe, hum immediately hum jo feedback dekhte hain, we are so happy with the way people are showering love on every character. Hamesha aisa hota hai ki aap dekhte hain ki main leads ko bahut pyar milta hai, lekin hum jab apne social media feeds pe dekhte hain to itna sara feedback hai har character ke liye. That's true. You know, and everyone एज एन एक्टर हम रिएक्ट करते हैं उस पर ही कि लोग कितना प्यार हमें दे रहे हैं एंड द अमाउंट दे शोइंग अस लव आई थिंक इट्स ओनली मेकिंग अस वर्क हार्डर. यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आज नॉमिनेशंस होने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी नॉमिनेट किया है. फिलहाल अभी तो मेरे शो को स्टार्ट हुए एक महीना हुआ है, बट लेट्स सी क्या होता है. तो सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, जो भी मेरे जितने भी दोस्त हैं जो जी के बहुत सारे शोज़ कर रहे हैं अलग अलग, तो उन सबको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और बहुत सारा फन करेंगे, मस्ती करेंगे आज. यार मैं सच बताऊँ ना तो मैं ना अपने काम को ही अपना अवार्ड मानता हूँ और जो भी मैं काम करता हूँ पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ. बाकी ये सब उन पर डिपेंड करता है वो किसको देते हैं, बट मैं अपना जो भी काम करता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ और पूरी शिद्दत से करता हूँ, तो वो मेरे लिए पहला अवार्ड होता है. रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है. इवन जो एपिसोड्स भी हैं उसमें हमें ड्रामा डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अभिमन्यु खुद अपने आप में ड्रामा है. मतलब एक ऐसा लड़का जिसे ये इतने सारे मल्टीपल डिसऑर्डर बोल सकते हो आप, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन कैसे भी एक्सट्रीम इमोशन में उसे लूप हो जाता है, लूप में चला जाता है वो जो कुछ भी करता है. उसके बाद में जब वो नॉर्मल होता है उस सिचुएशन से बाहर आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है कि उसने क्या किया था. अभी उसने हीरोइन को मारने की कोशिश की हल्दी वाले संगीत में, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं. तो मतलब कैरेक्टर ही अपने आप में एक ड्रामा है. तो हाँ, क्या पर्सनली पूछा जाए तो जिस तरीके के मैंने शोज़ किए हैं, जी के लिए मैंने नीली छतरी वाले किया था, उसमें मैं मॉडर्न शिवाय था, गौतम बुद्ध का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था. जब अभिमन्यु आया तो बिल्कुल डिफरेंट था, मेरी पर्सनल जो मेरी खुद की रियल पर्सनैलिटी है उससे बिल्कुल डिफरेंट था, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था. बट हम एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक्टर से, किसी एनिमल से, जैसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें कोबरा से, सांप से भी ली थी इसके अंदर कि वो कैसे एकदम से घूमता है कैसे, तो मतलब कहीं ना कहीं से करके हम एक कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं और फाइनली मैंने अभिमन्यु को इस तरीके से बिल्ड किया. फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमें जो प्यार दे रहे हैं वो देते रहिए. और बेसिकली अवार्ड शो होता है जो आप हमें इतना सारा प्यार देते हैं तो हम उसके बदले में आपको थैंक यू बोलें, और जो आपने हमें सपोर्ट किया होता है उसके लिए हमें नॉमिनेट किया जाता है और उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, तो थैंक यू सो मच. और मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका, ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, थैंक यू. आज की शाम के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इन दोनों के लिए. इन दोनों के लिए पहला अवार्ड फंक्शन है इसमें ये लोग आए हैं और ऑफकोर्स नॉमिनेशंस का दिन है और ठीक है हमारा शो नया है, बट वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द डे एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द इवेंट ऑल्सो जी दिस डे अवार्ड्स. देखते हैं हमारे लिए क्या लेके आता है इस दिसंबर पे. और बस हमारी काशी भाई और बाजीराव है यहाँ पे, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. आज फर्स्ट टाइम है कि हम लोग जी रिश्ते अवार्ड्स पे आ रहे हैं और हमारा नया नया शो स्टार्ट हुआ है, फिर भी वी आर होपिंग फॉर बेस्ट. और आप बताओ? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं और आज हम लोग जी रिश्ते अवार्ड्स में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा ये. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. Thank you.
देखिए हमारा शो बहुत ही अलग है, एक दूसरे एरा का शो है, और अभी तक जहाँ तक हम लोगों को जिस तरह से रिव्यूज मिले हैं बहुत ही ब्यूटीफुली हमने बहुत मेहनत करके बना रहे हैं ये शो, और सब तीनों ये दोनों बच्चे और जितने भी बच्चे शोज में जितने बड़े बहुत ही जी जान लगा के काम कर रहे हैं, बहुत ही अगर आपने देखा होगा कि अब तक शो बहुत ही क्रिस्प रहा है, बहुत ही खूबसूरत रहा है, और बस हम यही चाहते हैं कि दर्शकों से भी उतना ही प्यार मिले और दो चार अवार्ड्स तो आ ही जाए। हमें लकीली प्रोडक्शन ने छुट्टी दे दी हम सबको आज। जी रिश्ते हैं तो ऑफकोर्स हमें बहुत हेक्टिक रहता है हमारा शो, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम शूट करते रहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है बहुत ही ग्रैंड है तो टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी आज हमें छुट्टी मिली इस शो के लिए, इस इवेंट के लिए, तो हम आज यहाँ पे हैं। मेरे लुक के बारे में मैं बताता हूँ तो यही हम दोनों लुक, मैं बाजीराव प्ले कर रहा हूँ, ये काशीबाई प्ले कर रहे हैं, और हम यही लुक कैरी करते हैं शो में भी, और आज फर्स्ट जी रिश्ते अवार्ड मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग आए, तो हमने सोचा कि यही लुक में आज आते हैं यहाँ, तो प्रॉपर मराठी आउटफिट, फेटे से लेके मोजड़ी तक, अंगरखा, ज्वेलरी, सब कुछ हमने मराठी स्टाइल में किया है, जैसे हम शो में करते हैं। मैं ये सब साड़ी, ज्वेलरीज और ये खोपा है, वो मीन्स बहुत हैवी होता है, लेकिन उस पर इतना अच्छा लगता है मुझे। मैं जनरली शो में इस लुक में रहती हूँ, इसको लोग देख के छोटी शिवबाई कहते हैं, मैं पूरा इसके लुक में रहती हूँ। आज शो था, इवेंट था, तो मैंने लिबर्टी ले ली थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की, लेकिन एग्जैक्टली यही मेरा लुक रहता है शो में, और नववारी साड़ी, ये खोपा और ऑथेंटिक प्रॉपर ज्वेलरी मराठा साम्राज्य के टाइम की। सो यस प्लीज़ हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, और बहुत बड़ा शो है ये, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है, बस आप लोग हमको प्यार देते रहिए और हमारा शो को बस अच्छी TRP देते रहिए। और देखिए जो हमारे लक्ष्मण है उन्हीं को आने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, शो की लक्ष्मी आ गए हैं और लक्ष्मण नहीं आए, as usual वो सेट पर भी हमेशा लेट आते हैं, हमेशा, तो उनकी हम पोल खोल रहे हैं आज। राइट, हाँ हम सब टाइम पर सबसे लेट एक्चुअली एक क्लैप हो ही जाएगा, ये सर के लिए क्लैप और इनके लिए रोज क्लैप होती है, जैसे ही आते हैं हम क्लैप अलाउड है सीनियर, और जब हम क्लैप नहीं करते वो खुद ही करते हैं। हाँ वो भी है। Super excited, बहुत excited है, बहुत ज़्यादा excited है, hoping that we get some nice awards. Yes, our show हमारी लक्ष्मी का debut है, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम ढेर सारे awards लेके जाएं और हमारी प्यारी प्यारी लक्ष्मी भी ढेर सारे awards लेके जाएं। Yes, we have all hopes on Bhavi. और आप लोग बहुत ही हम सब अपने लुक में आए हैं, एक्चुअली हमारा स्टाइलिश कैरेक्टर, हमारे सबके लुक के बारे में हम तृप्ति का नंबर आपको दे देते हैं, उन्होंने जो जो हमें बोला पहन लो हमने पहन लिया और हम आ गए। जरूर हम सब की शक्ल देख के, चेहरे देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हम सब कितने भाग्यलक्ष्मी को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, और हमने लक्ष्मी से और हमने लक्ष्मी से सीखा है, तो स्माइल कर रहा सब, भर भर के हम सब बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। रानू जी की हिंदी नहीं, बहुत खराब है, आई थिंक अच्छा ही लगने वाला है, एक तो हम लोग एक साथ हैं, हमें टाइम नहीं मिलता कभी एक साथ पार्टी करने का, वो अलग बात है, आज हम कॉस्ट्यूम्स में हैं तो थोड़ा ऑड लगेगा पार्टी करने, बट कोई बात नहीं, कॉस्ट्यूम पार्टी, यस थैंक यू। आप बोलो ना, नहीं आप बोलिए, बहुत अच्छा जी रिश्ते अवार्ड है, और हम सब एक साथ जितने कलाकार, जितनी टीम है, जितनी यूनिटी, सब साथ मिल रहे हैं, तो ये शाम हमारे लिए तो बहुत यादगार ही रहेगी, कि एक साथ मिलना बहुत कम हो पाता है दूसरे एक्टरों से, हम तो रोज मिल रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, बहुत बहुत एंजॉय करेंगे मैम, सेट कम थिंग, इट्स द सेम थिंग। आई
आई थिंक मैम है नॉमिनेशन उनका है बेस्ट आई थिंक बेस्ट मदर अच्छा अगर तुम ना होते से है खुशी की बात है लोग पसंद कर रहे हैं और हम अपना उतना ही प्यार ऑडियंस को देना चाहेंगे एक्चुअली हम मेहनत कर ही रहे हैं इसलिए कि लोगों को पसंद आए शो अच्छा लगे और स्टोरी लाइन बहुत प्यारी है लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है स्टोरी लाइन तो ऑडियंस को मैं अपनी तरफ से थैंक यू हमारी टीम की तरफ से थैंक यू देखते रहिए आगे एपिसोड बहुत कमाल के आने वाले हैं थैंक यू मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ बिकॉज जी रिश्ते अवार्ड्स पहली बार अटेंड कर रहा हूँ मैं सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन काफ़ी नर्वस भी हुआ एंड एक्साइटेड भी हुआ एट द सेम टाइम मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है मैं जैसे अंदर जाके एंजॉय करने वाला हूँ मुझे सिर्फ यही पता है सो लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट आई एम श्योर नॉमिनेटेड है बेस्ट जोड़ी के लिए होगा एंड जरूर होगा सो वी आर एक्साइटेड एंड नर्वस एंड अभी प्लान हम लोग सब डिस्कस करके आ रहे थे कि हमें बस कुछ नहीं देखना हमें बस चिल करना है चिल करना है नॉमिनेशंस की टेंशन हम नेक्स्ट ईयर करेंगे आज इस साल एंजॉय कर लेते हैं इस बार एंजॉय कर लेते हैं ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज कि हम लोग कोलकाता में शूट करते हैं और यहाँ पर आ रहे हैं बट समहाउ लाइक आवर प्रोडक्शन सपोर्टेड अस एंड लाइक हम लोगों ने टाइम निकाला और ऑफ कोर्स हम लोग मिस नहीं कर सकते थे टाइम निकालना ही था बिकॉज़ यू नो हम इतने एक्साइटेड हैं एंड नर्वस हैं बट चाहे यू नो काफी हेक्टिक शेड्यूल में काम किया हमने बट हमें हमारे दिमाग में यही था कि शेड्यूल में काम करना है एंड द नेक्स्ट दिन अर्ली फ्लाइट पकड़ के यहां पे आना है एंड अटेंड करना है सो या काफी हेक्टिक शेड्यूल था बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है या ये फर्स्ट ईयर है एंड आई थिंक तुम्हारा दिस इज माय सेकंड एक्चुअली सो या तो मेरा पहला है सो आना ही था यहां पे सो माय लुक इज मेरे शो में मेरा लुक यही है बिकॉज बीइंग अ बंगाली गर्ल बीइंग अ बंगाली बहू सो या ऑफ कोर्स दिस इज माय लुक एंड आई हैड टू कैरी दैट ओनली सो या अर्जुन के कैरेक्टर के साथ ये लुक काफ़ी जाता है सो सेमी फॉर्मल लुक है ये आई होप सबको पसंद आया मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल हूँ एंड मैं वही प्रेफर करता हूँ जिससे स्टाइल भी अच्छा लगे एंड कंफर्टेबल भी फील करें सो उस हिसाब से या ये मेरा कॉस्ट्यूम है लाइक लुक ऑफ द डे फैंस को हम यही कहना चाहेंगे कि आपने इतना सपोर्ट किया है इतना प्यार किया है हमें एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग अस हमें आर्या बनाया हमें हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत से हम आगे भी काम करेंगे और आप सबको एंटरटेन करेंगे आप सब प्लीज ऐसे सपोर्ट करना हमें एंड रिश्तों का मांझा देखते रहना जी कीप लविंग अस कीप सपोर्टिंग अस एग्जैक्टली थैंक यू सो मच थैंक यू मैं ये कहना चाहती हूँ मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ ये मेरे पहले जी रिश्ते अवार्ड्स हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कौन कौन नॉमिनेट होता है एंड मैं जितने मेरे बाकी शोज़ के फ्रेंड्स हैं और आर्टिस्ट हैं उनसे मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और खूब सारा प्यार दे रहे हैं एंड आई होप कि जितना वो हमें अभी प्यार दे रहे हैं उससे और भी ज़्यादा प्यार हमें अपकमिंग एपिसोड्स में दें एक्चुअली इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है ये बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं चैनल की टीम से प्रोडक्शन हाउस की टीम से जो हमारा आउटफिट डिसाइड करते हैं और इनफैक्ट मुझे कलर बहुत सुंदर लगता है तो उनका ही ये पूरा क्रिएटिविटी है और ये पूरा डिज़ाइन है तो अगर मैं अच्छी लग रही हूँ सो ऑल द क्रेडिट गोज टू दोज क्रिएटिव पीपल यस कि आप हमें बहुत सारा प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपका रिस्पांस देख के आप ऐसे ही अगर तुम ना होते देखते रहिए हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए और अभी आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं और मैं तो ये कहूँगी सिर्फ हमारा शो ही नहीं जी के बिकॉज जी इज़ अ फैमिली और जी के और भी जितने भी सारे शोज़ हैं आप सारे शोज़ देखिए क्योंकि सब शोज़ बहुत ही बढ़िया हैं थैंक यू थैंक्स She's playing my. Yeah. Hi. Hi. Wait a minute. Let me remove my mask. Yeah. Yes. Here comes my
my sir, sir, sir. Sir. Yes. So, you have finished your bites. I have already given my bites. Oh, you've already given. So, in fact, हमारा भी recently बहुत ये पहले confrontational scenes हुए. Yes. And very nice they came out finally, I suppose. क्योंकि आई थिंक जो अतीत का राज है कि अभिमन्यु और नियति की शादी बचपन में हो चुकी थी वो मुझे अभी पता चलता है और मुझे सर ही बताते हैं जो मेरे सीरियल में ससुर जी प्ले कर रहे हैं कि मैं उनकी बहू हूँ तो उसका आई थिंक रिस्पांस बहुत ही बढ़िया मिला ऑडियंस से जो इतना बड़ा जो ड्रामा है very, जो बाहर आया है वेरी नाइस एपिसोड ऑल्सो द एंटायर एपिसोड वाज वेरी नाइस आई थिंक बिकॉज ऑफ द एक्टर्स जो आपके सामने एक्टर्स है अगर सर जैसे एक्टर्स आपके सामने हैं ऑटोमेटिकली no, but I'm being very honest. Automatically, you know, you feel this scene और आप जब सामने वाला आपको इतना help कर रहा होता है, support कर रहा होता है, तो automatically scene बहुत अच्छा आता है. लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा आज के youngsters के बारे में कि they are so young, they are in their early 20s and they perform so well. मुझे याद है जब मैं early 20s में था when I started my career in movies. I don't think हम लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते थे या कह सकते हो कि इतने ज़्यादा वेल वर्स्ड होते थे बट टुडेज यंगस्टर्स आर यू दे आर वेल प्रिपेयर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट दे परफॉर्म सो वेल और देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम देम इन फैक्ट thank you so much for letting me go calling me here for this picture nomination party I am really really thrilled because nomination ka jo pura event hota hai that's like opening secret ki is kaun nominated hai kisko award milenge and it's real fun you know it's like a countdown तो हम सब पूरी कास्ट हमारी जो है तेरे बिना जिया जाए ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब लोग आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे और हर किसी को यही लग रहा है कि किसको अवार्ड मिलेगा एंड मैंने हमेशा से देखा है कि अवार्ड फंक्शंस में जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं जितने भी अवार्डीज को अवार्ड्स मिलते हैं वो सारी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है एंड द पर्पज इज़ बेसिकली टू यू नो एक्नॉलेज द एफर्ट्स बींग पुट इन बाई द एक्टर्स तो इतना ब्यूटिफुल तरीका होता है ये अवार्ड्स देने का मुझे तो बहुत हमेशा पसंद आता है अवार्ड फंक्शंस में जाना वहाँ पे जो नॉमिनेशंस जब ओपन होते हैं तब जो एक दिल की धड़कन बढ़ती है जो एक्साइटमेंट होती है नथिंग कैन बी कंपेयर टू दैट यू नो सो आई होप इस बार भी हमारी जो कास्ट है उसमें से कई सारे लोगों को ज़रूर डेफिनेटली अवार्ड्स मिलेंगे शो भी अच्छा जा रहा है TRPs अभी 1 एंड मे बी अबाव अभी थोड़े थोड़े जा रही है so it's a very good optimistic note that we are hearing it's a new show although but already audience ka jo response mil raha hai wo bahut 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 acha mil raha hai jahan bhi abhi main ja rahi hu meenakshi ke naam se mujhe pehchan rahe logon ko pasand bhi aa raha hai mera kirdar because शो का पूरा माहौल थोड़ा सीरियस है और यही एक कैरेक्टर है जो उठ के दिखता है क्योंकि एक लाइट कॉमेडी उसमें एक यू नो देयर इज सिल्वर लाइनिंग टू दिस पर्टिकुलर होल थिंग यू नो इट्स लाइट कॉमेडी एंड पीपल आर रियली एंजॉइंग व्हेनेवर दे सी मी ऑन द स्क्रीन दे जस्ट लव इट यू नो दे आर ऑल्सो रिमाइंडिंग मी ऑफ माई वन ऑफ माई कैरेक्टर्स विच आई हैव प्लेड लॉन्ग एगो विच वॉज अ कॉमेडी कैरेक्टर कॉल्ड मनोरमा इन इस प्यार को क्या नाम दूँ सो वंस अगेन आई एम with little bit of same kind of a flavor it's a comedy with probably eventually I don't know how it will shape up because it's a murder mystery at the end of it and there's a very big hook ki bhai kya hua hai is ghar mein kya hua hai so I'm sure it's going to be fun so it's a request to my audience also to keep watching the show thank you again ZTV Dome of Entertainment thanks a lot awarding appreciation it's your hard work it's your hard work एंड जिनके लिए हम शो बनाते हैं हमारी ऑडियंस के लिए अगर वहाँ तक हम अपने शो के जरिए अपनी जो हम दर्शाना चाहते हैं अगर हम वो पहुँचा पा रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट शो के लिए इफ आर ऑडियंस इज लविंग इट एंड आई थिंक आर ऑडियंस अवार्ड हर एक्टर के लिए अच्छा होता है मिले तो बहुत बढ़िया नॉमिनेट होना भी अच्छी बात है क्योंकि कितने सारे कलाकार हैं कितने सारे चैनल्स हैं कितने सारे सीरियल्स बन रहे हैं लेकिन उसमें से अगर आप नोटिस हो रहे हैं लोग आपको चाह रहे हैं और नॉमिनेट करते हैं और बुलाते हैं आई थिंक वो अपने आप में भी एक अवार्ड और आवा जी क्या बोलना चाहेंगी आवा जी इधर आवा जी आवा जी ये निपट लिया सारी बातें मेरी फैमिली ने बोल दी है यही बात मेरी है वाह यही सहमति है दिल से दिल का कनेक्शन अवार्ड मिले तो बहुत अच्छी बात और अगर नॉमिनेशन हो तो भी बहुत अच्छी बात सबसे बड़ी बात है एप्रिसिएशन या ये मिल रहा है ये बहुत अच्छा है थैंक यू
हमने वादा किया था कि गीत हमारी रीत बदल देगी। मुझे लगता है हमने पिछले 6 महीने में साबित कर दिया है कि हमारी मीत में रीत बदली है। जय माता दी, जय माता दी, बदलती रहेगी, कीप वॉचिंग। बहुत कुछ है आज की शाम में, बहुत धूम मचाने वाले हैं सारे लोग। और जी रिश्ते अवार्ड्स जैसे हमेशा अपनी एक नई पहचान लेकर आता है, वैसे भी आज एक कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है। एक त्यौहार का सीजन तो वही होगा। ये कहा जाता है कि वी आर जस्ट हैविंग अ बेबी स्टेप्स एंड वेटिंग फॉर our nomination upcoming awards which will be soon coming next year. Yeah, but, just newborn babies, just, so baby step on air just couple of weeks ago. Yeah, so all the other shows ke liye itna kehna chahunga ki the competition is going to be on and it's going to be really very competitive and really going to be very strong from all of us. So that's what we are looking for, and all the very best to all the other shows who are getting nominated. Yes. Best jodi. Main yes. Sanjay aur Paragi best jodi ke liye nominated hain, and acha feel ho raha hai. Amazing. Dekhiye show mein bahut kuch abhi ho raha hai, aur jaisa hum logon ne start kiya hai, ek aisi ladki ki kahani hai jo sapne dekhti hai, ek aisi ladki hai jo sapne poore karna jaanti hai lekin uske paas resources nahi hai. तो उन रिसोर्सेस को देने के लिए एक लड़का है संजय, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और वो आगे आता है और कहीं ना कहीं सामाजिक सोच के ऊपर ये शो है कि लड़की हो अगर लड़के से एक कदम आगे तो क्या टूट जाते हैं रिश्तों के धागे। थैंक यू सो मच। क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जी रिश्ते अवार्ड से रिश्ता दृढ़ हो जाए, यही मराठा साम्राज्य के लिए बेहतर होगा। आशा करती हूँ कि ये शाम तो अच्छी जाने ही वाली है। मुझे लगता है कि कुछ बॉन्डिंग्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और ऐसे मौके में हम लोग साथ मिल के आते हैं तो ये बॉन्डिंग्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस जी से रिश्ता मजबूत हो, हम ये शाम वो देख रहे हैं, दैट्स इट। ये हमारे लिए सरप्राइज होगा शायद, हमें भी नहीं नॉमिनेशंस पता चलेंगे। एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं, लेट अस कीप द होप्स हाई। शो के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा बहुत ही प्यारा शो है, प्लीज़ ये ऑडियंस के लिए शायद, तो ऑडियंस से कहूँगी कि प्लीज़ काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ को प्यार दीजिए, आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, एंड इट्स अ वंडरफुल शो, प्लीज़ ऑल ऑफ यू वॉच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज नॉमिनेशन का दिन है एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड के हर एक्टर चाहेगा कि उसका नाम नॉमिनेशन में हो। हम लोगों का सीरियल अगर तुम ना होते अभी कुछ दिनों पहले ही जी टीवी पर लॉन्च हुआ है, 10:30 टाइम है उसका, तो आई डोंट नो कि वी आर कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, थिंग्स आर गोइंग फाइन, तो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग एंड प्रेइंग दैट नॉट ओनली वी विन द नॉमिनेशन बट ऑल्सो द अवार्ड फाइनली। सबसे पहले तो मैं अपना रिश्ता जी के साथ क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। फॉर्चुनेटली एंड लकीली एंड कोइंसिडेंटली मे बी मेरे लास्ट 3 शोज़ जो मैंने किए इंक्लूडिंग अगर तुम ना होते, देवर ऑल टेलीकास्ट ऑन जी, देवर ऑल जी शोज़। I started with Doli Armano Ki for Zee, then I did Pia Albela, that was produced by Rashid Productions, that was also for Zee, and now I'm doing this Agar Tum Na Hote, even that is for Zee. So I think kuch atoot rishta hai Zee ka aur mera, ke kuch aisa hota hai ki finally jab mera ek show accept karne ka mauka aata hai to wo Zee ka hi hota hai. So I mean I'm very choosy about my shows. Main एक टाइम पर एक ही करता हूँ और बहुत ज़्यादा शोज़ एक साथ साइन नहीं करता हूँ, एक ही करता हूँ, और बीच में जब शो ख़त्म होता है तो उसके बाद एक सेबेटिकल लेता हूँ। तो आई एम ग्लैड दैट माई एसोसिएशन विद जी हैज़ प्रूव टू बी लकी फॉर मी एंड आई विश टू कंटिन्यू माई एसोसिएशन विद जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।
जी रिश्ते अवार्ड्स ये बहुत ही खास प्रोग्राम है, अनुष्ठान है, और हम मेरे लिए तो ख़ास तौर से बहुत ख़ास है क्योंकि जी हमेशा से एक होम टर्फ रहा है मेरे लिए, और मेरे कुछ जो भी चुनिंदा एकदम टॉप ऑफ द शोज़ रहे हैं वो जी के साथ ही रहे हैं। तो एक बार फिर से जी अवार्ड्स में आने का जब मौका प्राप्त हुआ तो बहुत ही खुशी हुई, और आई एम श्योर मेरे जो साथी कलाकार हैं टैलेंटेड आशीष और सुपर टैलेंटेड श्वेता, इनको भी उतना ही मजा आ रहा होगा कि जितना मुझे आ रहा है, राइट? हाँ, एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी तो पैदाइश ही जी से हुई है। हाँ, कौन? तो मेरी तो पैदाइश ही यहाँ से हुई है। There was a show called Swember 2000 और मुझे वहाँ से ढूंढा गया था, तब से लेके आज तक जी के साथ मेरा रिश्ता बरकरार है। और जी के साथ हाय आशीष, मेरा फर्स्ट इवेंट है और मेरा सेकेंड शो है जी के साथ, पहला है, तो आई एम रियली हैप्पी आफ्टर दिस पैंडमिक वी आर डूइंग सम इवेंट, यस यस, सो वी आर रियली हैप्पी एंड इट्स अ ग्रेट टीम टू। हां, इट्स वंडरफुल, इट्स फेनोमिनल एक्चुअली, बिकॉज हमारी कहानी जो है ना वो एक तथाकथित रोमांटिक कहानी नहीं है, एक थ्रिलर भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है। तो उस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए जब इस किस्म का शो और वो भी रात के 10 बजे के स्लॉट में आता है, और आप सब टीआरपीज जानते हैं कि क्या चल रहा है, सो आई एम श्योर पता चल गया होगा कि कितना प्यार हमें मिल रहा है फैन से, और कहानी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, और हम तो यही चाहते हैं कि चले 2-3 साल और चले आराम से। एंड आई थिंक द होल फैमिली दैट वी हैव इन द शो इज अ वेरी गुड लुकिंग रॉयल फैमिली। नो, एक्चुअली आई लव द कंट्रास्ट बिटवीन देवराज सर की फैमिली और हमारी फैमिली। हमारी फैमिली बहुत प्यारी सिंपल है, उनकी फैमिली थोड़ी रॉयल है, तो एक शो में अच्छा लगता है कि आपको दोनों शेड देखने को मिलते हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू।